यूं ही चला चल रही, यूं ही चला चल रही, कितनी हसीन है ये दुनिया। हम पहुंच चुके हैं बर्न के मेन स्टेशन पे और अब हम वेट कर रहे हैं अपनी नेक्स्ट ट्रेन का जो सीधे बासल एयरपोर्ट पे लेके जाएगी। तो ठीक है, मिलते हैं बासल एयरपोर्ट से। जरा यहाँ का नज़ारा देख लो एक बार। Liebe Besucherinnen und Besucher, herzlich willkommen in der Welle 7. ये है बासल एयरपोर्ट का ड्यूटी फ्री मार्केट और बहुत ही बढ़िया एयरपोर्ट। कोई भीड़ नहीं, कोई कुछ नहीं। 20 मिनट का टाइम लगता है पूरा अंदर से बाहर आने में और बाहर से अंदर आने में। और ये विक्टोरिया सीक्रेट की दुकान है, लेडीज पर्स और कपड़े वगैरह मिलते हैं यहाँ। बहुत ही फेमस दुकान, बहुत ही बेहतरीन। ये मैडम जी भी देखो भाई। और यहाँ पे इस टाइम पे हम बासिल के एयरपोर्ट पे हैं और काफ़ी अच्छा नज़ारा है यहाँ का भी। ये चॉकलेट की शॉप है पूरी। थोड़ा बहुत नज़ारा देखो तब तक। इधर चॉकलेट की शॉप है और जिसमें हम खड़े हैं ये कॉस्मेटिक्स की शॉप है। यहाँ परफ्यूम वगैरह और जितने भी लेडीज़ आइटम है। आज मैं ऊपर आसमान से आगे का गाना याद नहीं। और अब हम आ चुके हैं पेरिस के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे और अब हम यहाँ से जाएंगे बाहर और अब देखते हैं मेट्रो पे जाएंगे। ठीक है, ठीक है। तो एक बार एयरपोर्ट देख लो, कोई बहुत ज़्यादा खास नहीं है। ये है मतलब अपने इंडिया का IGI मच बेटर है। ओके ओके देन बाय। और इस टाइम पे हम एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल जा रहे हैं शटल बस के द्वारा। और ये अब दूसरा, ये देख सकते हो आप, काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट। और ये है मेट्रो ट्रेन पेरिस की। और ये है मेट्रो स्टेशन और हमारी ट्रेन आ रही है उधर से। ये है जी मेट्रो। बहुत भयंकर भीड़। और इस टाइम पे है हम पेरिस में और इस टाइम पे मेट्रो ट्रेन के अंदर बैठे हुए हैं और अपनी दिल्ली मेट्रो जैसी टाइप की है, बस मतलब सीटें थोड़ा अलग तरीके से लगी हुई हैं। पर स्विट्ज़रलैंड की ट्रेनें काफ़ी मच बेटर है। बाकी ठीक है, सब कुछ ठीक है। ओके जी, अभी तो देखने में इंडिया जैसा ही लग रहा है। ये देखो, सब जैसे इंडिया के ट्रेन से नज़ारा होता है वैसे ही नज़ारा अभी पेरिस के अंदर भी है और लगभग सेम। कोई अभी बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, चलो फिर दिखाएंगे कुछ। और जी ये आ गया है पेरिस का हमारा एफिल टावर। और ये देखो, ये जो मेट्रो आके रुकी है और जो अब चलती है, ये इसके अंदर
टायर लगे हुए हैं, अगर आप गौर से देखो तो, मतलब मेट्रो ट्रेन के अंदर टायर, इमेजिन कर सकते हो आप। और फाइनली जिसके लिए हम यहाँ आए थे वो है एफिल टावर, और वो है हमारी आंखों के सामने। वाओ, इट्स सो ह्यूज। यहाँ बिल्कुल हम लगभग इसके बिल्कुल नीचे खड़े हुए हैं, और इसकी टॉप देखने के लिए हमें अपनी गर्दन लगभग 180 डिग्री, 180 तो नहीं पर 160 डिग्री तो उठानी पड़ी रही है। बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, जितना हम टीवी में देखते थे, पिक्चर देखते थे, सोचते थे छोटा होगा, पर नहीं, बहुत बड़ा है असलियत में। इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो आपको ऊपर एक लिफ्ट जाती हुई दिखाई दे रही होगी, तो इसमें लिफ्ट से भी जा सकते हैं और पैदल भी जा सकते हैं सेकंड फ्लोर तक केवल। और हम इस टाइम पे अगर आप देख रहे हैं तो खुद ही समझ सकते हैं कि हम इस टाइम पे लिफ्ट के अंदर हैं। हाय मोनिका। और हम जा रहे हैं इस टाइम पे सेकंड फ्लोर पे, जिस इसका एफिल टावर का टिकट है ऊपर टॉप पे जाने का 17 यूरो अगर आप लिफ्ट से जाएंगे तो, और जिसमें आप सेकंड फ्लोर तक लिफ्ट पे जाएंगे और उसके बाद भी टॉप पे जाने के लिए भी लिफ्ट का यूज करेंगे, लेकिन आप सेकंड फ्लोर तक आप पैदल भी जा सकते हैं सीढ़ियों से, और अगर आप सीढ़ी से जाएंगे सेकंड तक और फिर टॉप के लिए तो कोई ऑप्शन नहीं है, उसमें लिफ्ट से ही जाना है, तो आपका टिकट रिड्यूस हो जाएगा 11 यूरोस, तो यानी 6 यूरो का फर्क है अगर आप पैदल जाएंगे सीढ़ियों से सेकंड फ्लोर तक उसमें, और अगर आप लिफ्ट से जाएंगे तो। लेकिन हमें और भी पूरा पेरिस घूमना है तो हमने चूज करा है लिफ्ट से जाने का ऑप्शन, और इस टाइम पे लगभग हम पहुंच चुके हैं, हम पहुंच चुके हैं सेकंड फ्लोर पे। अब देखते हैं सेकंड फ्लोर। ओके, और हम हैं इस टाइम पे सेकंड फ्लोर पे एफिल टावर के, और यहाँ से पूरा शहर का नजारा हम देख सकते हैं बेहतरीन। और एक वो बहुत सामने ये जो बिल्डिंग है बहुत ही हिस्टोरिक है, इसके बाद हम इस बिल्डिंग में भी जाएंगे, कुछ फोटोज क्लिक करेंगे। और अब हम चल दिए हैं सेकंड फ्लोर से टॉप फ्लोर की ओर, तो जिसके लिए हमको लिफ्ट भी चेंज करनी पड़ी है, क्योंकि ये वाली लिफ्ट अलग है जो टॉप पे जाती है। नीचे से 4 लिफ्ट आती हैं और ऊपर को केवल 2 लिफ्ट जाती हैं, तो बहुत ही बेहतरीन नज़ारा है। सेकंड फ्लोर ही ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे है, और इस टाइम पे अब हम और ऊंचाई की ओर चल दिए हैं। तो ये जो एफिल टावर है ये सन 1880 में बनाया गया था, और जिस टाइम पे इसको बनाया गया था उस टाइम पे डिसाइड किया गया था कि सन 1900 में यानी 20 साल बाद इसको गिरा दिया जाएगा, पर ये उस टाइम पे ही काफी फेमस हो चुका था, तो काफी टूरिस्ट वगैरह दूसरे देशों से आने शुरू हो गए, तो फिर डिसाइड ये किया गया कि चलो भाई इसको इसकी देखभाल करते हैं और कंटिन्यू करते हैं इसको, तो ये नहीं गिराया गया तभी, इसलिए आज हम इसके टॉप पे जा रहे हैं। और हम पहुंच चुके हैं इस टाइम पे इसका जो टॉप है बिल्कुल वहां पे, और बहुत भीड़ है यहाँ आने के लिए। ये देखिए नजारा, अभी मैं दिखाता हूँ आपको। अब हम यहाँ से ऊपर जाएंगे सीढ़ियों से और फिर हम ओपनली व्यू देख पाएंगे। ये देखिए वो जो बिल्डिंग पहले पास दिख रही थी थोड़ी सी, अब कितनी दूर हो चुकी है। चलते हैं ऊपर, चलो चलो। टिक 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 टिक
तो हम मोनिका के साथ आ चुके हैं बिल्कुल टॉप पे एफिल टावर के, और ये है इस शहर का नजारा, एक ग्लोबल शहर का ग्लोबल नजारा। ये शहर बहुत मस्त है, लेकिन यहाँ अपनी जेब का, अपने मोबाइल का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, वरना पता नहीं कब गायब हो जाएगा। बहुत चोर हैं, बहुत ज्यादा, इंडिया से भी ज्यादा। देखिए जी, सनसेट होने ही वाला है और उसके साथ शहर का कुछ अलग ही नजारा है। बहुत ही ऊंचाई पे हैं, और उधर है चैंप दी मार्स, ये पार्क है एक, और ये एफिल टावर के टॉप पे ही एक ये छोटा सा म्यूजियम है। छोटा क्या मतलब, बहुत ही छोटा है, एक कमरा है केवल, उसके अंदर ये तीन मूर्ति रखी हुई है। मूर्ति कह लो, स्टैचू कह लो, कुछ भी कह लो, शायद ये डिस्कस कर रहे हैं बनाने वाले डिजाइनर वगैरह होंगे कि यार कैसे बनाएं, बहुत ऊंचाई है कैसे करें, तो ये डिस्कस कर रहे हैं। यार बहुत मुश्किल काम है, बोल रहा चल यार पैसे ज्यादा ले लियो कर दियो। पर तो जब हम आए, ऊंचाई ऐसे बढ़ती चली गई और आखिर में हम टॉप पे पहुंच गए। अब हम जा रहे हैं वापस लेवल 2 पे, और सभी लाइटें जल चुकी हैं एफिल टावर की। बेहतरीन नज़ारा, तो अब हम जा रहे हैं एफिल टावर के फर्स्ट फ्लोर पे। इसके तीन फ्लोर हैं बेसिकली, फर्स्ट सेकंड एंड टॉप। तो अब हम जा रहे हैं फर्स्ट पे, वहाँ पे आइस स्केटिंग देखने। यहाँ आइस स्केटिंग फ्री है, लेकिन उसके लिए आपको अपने साथ ग्लव्स लाने होंगे। आप चलते हैं देखने। और आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ आइस स्केटिंग हो रही है एफिल टावर के ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे। यहाँ सब मौज ली जा रही है। ये देखो लौंडा आया गजब। और ये आईफिल टावर ऊपर, ये जो ऊपर दिख रहा है ये सेकंड फ्लोर है, और इस टाइम पे हम फर्स्ट पे हैं। ये लाइटिंग का शो चल रहा है, वाओ। एफिल टावर जगमगा उठा है इस टाइम पे, देखिए आप, बहुत ही बेहतरीन। और इसके सबसे ऊपर अगर आप गौर करो, शायद आपको दिख जाए, तो इसमें दो बड़ी बड़ी एलईडी भी लाइट फेंक रही है पूरे शहर की तरफ। ये देखिए इस टाइम पे एक दिख रही होगी आपको सबसे टॉप, वो दूसरी अब पीछे से दिखनी शुरू हो गई है। वाह, इस वीडियो में एफिल टावर तक का ही सफर है, आगे का पेरिस देखने के लिए हमारी अगली वीडियो जरूर देखिए। ये शो बंद हो गया। हाँ, वी आर लकी जो हमें शो मिल गया।